माझेगाव येथे नांदेड दक्षिणचे महायुतीचे उमेदवार सौ राजश्री ताई पाटील यांच्या प्रचारार्थ कृषी मूल्यांकन समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेतकरी नेते खासदार माननीय पाशा पटेल यांची सभा आयोजित करण्यात आलेली होती. त्या सभेप्रसंगी नांदेड हिंगोली यवतमाळचे खासदार हेमंत भाऊ पाटील हे सुद्धा उपस्थित होते. वाजेगाव हे अल्पसंख्याक समाजाचे गाव म्हणून ओळखले जाते नांदेड जिल्ह्यामध्ये. वाजेगाव येथे आम्ही जुने निष्ठावंत शिवसैनिक आहोत. आजपर्यंत आम्ही फक्त हिंदू समाजापुरती मर्यादित शिवसेना होती, परंतु आज वाजेगावमध्ये माझ्या मुस्लिम समाजाच्या बांधवाने हे दाखवून दिलं की शिवसेना ही फक्त हिंदू समाजाची मक्तेदारी नसून आम्ही सुद्धा तुमच्या विकास कामामध्ये आकर्षित होऊन हेमंत भाऊचं नेतृत्व स्वीकारून तुमच्या पक्षामध्ये प्रवेश करत आहोत. आमच्या वाजेगावचे उपसरपंच महबूब शेठ व त्यांचा सर्व परिवार व त्यांचे सर्व कार्यकर्ते यांनी 2000 कार्यकर्त्यांनी आज वाजेगावमध्ये वाजेगाव येथे शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. यापुढं त्यांनी आज ठणकावून सांगितलेलं आहे की ही काँग्रेसचा बाल्यकिल्ला नसून हे तर आज इथून पुढे आता हा शिवसेनेचा बाल्यकिल्ला होईल व जे वाजेगावमध्ये मतदान होणार आहे त्यापैकी 70% मतदान शिवसेनेला करण्याचे असे त्यांनी आश्वासन दिलेले आहे. आणि मला गर्व आहे की मी त्या गावचा रहिवासी आहे आणि मी आजपर्यंत जे शिवसेनेमध्ये काम केलं त्या कामाला आज माझ्या तीच झालं. मुस्लिम बांधवांनी मला आज डोक्यावर घेतलं. ओके. आज नांदेड दक्षिण 2019 और दक्षिण के 87 इसके सभा के लिए हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता पाशा पटेल और ओम प्रकाश जी पोकरना और हेमंत भाव पाटिल और हमारे जिला प्रमुख और हमारे पूरे ज्येष्ठ वाजेओं के नागरिक ये सब आज शिवसेना की जो महायुति उसकी सभा थी वो सभा में आज सब शामिल हुए और हमारे उपसरपंच शेख महबूब शेख हसन इन्होंने पार्टी शिवसेना पार्टी उनके पूरे कार्यकर्ताओं के साथ आज ज्वाइन की और उनके लगभग 2000 कार्यकर्ता आज हमारे पार्टी में ज्वाइन करके हमारे साथ आज एक साथ खड़े हुए और आज हमने पार्टी का वाजेओं के अंदर एक ऑफिस जो प्रचार कार्यालय बोलकर खोला गया है भाव के हाथ से उसका सबका ये कराए. जो भी विचारधारा जो भी माइंड में विचारधारा है कि शिवसेना एक जातिवादी पक्ष है. पिछले बारे में अभी थोड़ी देर पहले हालिया वीडियो एक आया था कि डीपी सावंत का, कि उन्होंने क्या बोले कि डीपी सावंत एक एमएलए कांग्रेस के एमएलए जिम्मेदार शख्स होते हुए भी उन्होंने 70 सीट को टिकट न देने पर सिर्फ यही कहा कि हिंदू मतदान अगर से हिंदू या मराठा कैंडिडेट हम कांग्रेस को देते हैं तो हमारा वोट विभाजन नहीं होगा और वोट इकट्ठा पड़ेंगे, और मुस्लिम अगर से कैंडिडेट हम देते हैं तो मराठा मुस्लिम को वोट नहीं करता है. ये आप प्रसार माध्यम की तरफ से या आपके चैनल की तरफ से या आपके लोगों की तरफ से आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि ये डीपी सावंत ने कहा या नहीं कहा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सेकुलर कौन है और जातिवाद कौन है. और ज़्यादा से ज़्यादा जैसा कि आज अब्दुल सत्तार जो राज्य मंत्री का दर्जा रखने वाले नेता जो कांग्रेस के साथ थे आज वो शिवसेना के साथ है और हम भी शिवसेना के साथ ही रहेंगे. और हमारे अंदर जितने भी पदाधिकारी और भाव के साथ हमारा जो रिलेशन है आज तक हमें कभी नहीं लगा कि ये लोग जातिवादी है और यह सेकुलर माइंड नहीं है. सर, आप कांग्रेस में काफी सालों से रहे हुए हैं और उप सरपंच की पोस्ट भी थी और अल्पसंख्या में आपकी भी खुद भी थी, और आप जब पार्टी शिवसेना ज्वाइन करे इसका मकसद क्या था? इसलिए कि मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, और ये हमारी पार्टी पूरी कांग्रेस की थी. पंचायत में चुन के आई सरपंच उप सरपंच मगर जब कारोबार जब चला वो कारोबार ऐसा चला कि पूरा अंधाधुंध उन्होंने कुछ भी होपल कर रहे थे, इसलिए मैं शिकायत करा उनको. तो ये कांग्रेस वालों ने मेरे को साथ नहीं दी, उल्टा उनको जाके साहब ने अपने डीपी सावंत को और सत्ता साहब को बोल के कलेक्टर साहब के पास जाके उसकी तायद करे कि भाई इसको जरापा दपा करो, इसकी फिर चौकसी लगाओ. इसलिए मेरे को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि मैं भी कांग्रेस का हूँ, वो भी है. उन्होंने पूरा पेपर में गए वाला छपा वाला देखे, वो देखने के बाद में उन्होंने बैठ के एक घंटे में कर सकते थे उसका सवाल हल कर सकते थे, मगर उन्होंने क्या करे उसको लेके क्योंकि चोर का साथ दे रहे.
तो मेरे यहाँ सच्चाई अपन क्या है, अपन तो गलत काढ़े नहीं, अपन ने पेपरबाजी बोले तो जो भी है उसका गलती उसके इससे काढ़े, अपने पेपर में जो निकला उसके इस्टीमेट काढ़े, जो जो घपले करा पूरा हमें खुला करा। वो करने के बाद उन्होंने जब परसों जो गए वहाँ पे सत्तार साहब सेट को और अपने डीपी साहब को साहब ने भेज दिया कि जाओ और इनका जाके कलेक्टर साहब के पास बोल के आओ, तो वहाँ जाके बोल रहे कि फिर नगर लगाओ। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दिया और मेरे को एक ऐसा शिवसेना पार्टी दिखी कि ये सच्ची पार्टी है, इसलिए मैं इनके साथ आ गया और 2000 कार्यकर्ता के साथ प्रवेश करा और इनका मैं पूरा 2000 का वोटिंग मतदान करूँगा। इंशाल्लाह इनको जीत के आएंगे, बहुमत से जीत के आएंगे। बिल्कुल सुब्रा साहब हो जाएगा, ऐसे बेमाना का कौन साथ देंगे, क्योंकि इन्होंने साहब पूरा जो है ना पूरी बदमाशी कर लिया, उन्होंने वो गढ़ है बोल के जितने पैसे खाया, अगर वही अपोज में जो शिवसेना के हमारे जैसे इधर लीडर रहते तो उसको सब काटते थे। परसों हमारे साहब ने हेमंत भाव ने साढ़े कितने दिए 35 लाख रुपये दिए ईदगाह के लिए, तो वो काम करे तो हमने जाके चौकसी करने गए तो उसका जो ढब्बर उन्हें लाया नदी में का खराब डब्बर यहाँ के यहाँ लाख डाला हमने मुरुम, और हमने रोके एक भैया क्या तो उन्होंने जवाब क्या दिया, तुमने बोलना नहीं मैं जेबक के पैसे करूँ, तो इसलिए हम उसे छोड़ दिए और आके हमने दे दिया एप्लीकेशन तहसील में। बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे, बहुमत से आएंगे और उन्होंने पूरी पार्टी चाहिए वो। इससे पहले एक आरोप लगाया गया कि सरपंच पर घरकुल का कुछ घोटाला था, इसके बारे में आप चौकसी करेंगे, आप क्या करेंगे? बिल्कुल चौकसी करे साहब, घरकुल की करे, संडासो करे, संडास के मरे वाले पैसे उठा लिया उन्हें पूरा, मैंने इस्टीमेट देने के बाद भी ये बावजूद उन्होंने मान रहे नहीं, कांग्रेस वाले उनको साथ दे रहे, तो अब उसके लिए मेरे क्या है, मैं तो कांग्रेस से दूसरे को बोल नहीं सकता, इसलिए अब रास्ता दूसरा नहीं था, ये मैं हेमंत भाव से मिलकर ये सब मालूम दिया और जो सही है तो काम करो बोला, मेरे घर के लिए नहीं कर रहा मैं, ये गरीब जनता है हमारे पास रोज मजदूरी करने वाली है, जो उनका पैसे खाता तो वो क्या काम की अपनी पार्टी, इसलिए मैं छोड़ दिया ईदगाह के पैसे भी लिया उन्होंने। हमारी पूरी पार्टी शिवसेना की रहेंगी, शिवसेना की पार्टी चुन के लाएंगे और पूरा भगवा करेंगे हम आजू। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या, टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।